दोस्तों आज हम बात करेंगे उन लीजेंड्स की जिन्होंने पूरी दुनिया को हंसाया, जिनको टीवी पर देख देख कर हम खूब हंसे, लेकिन जिन लोगों ने आपको हंसाया वो खुद अपनी ज़िंदगी में कितना रोए वो आपको आज पता चलेगा। आप ही में से ऐसे कई सारे लोग होंगे जो कि बहुत हंसते होंगे, लोगों को भी बहुत हंसाते होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर खुद टूटे हुए होंगे, अंदर ही अंदर खुद रो रहे होंगे। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हम बात करेंगे उस इंसान की जिसके घर की छत इतनी टपकती थी कि बारिश के आते ही उन्हें ऊंची जगह पर जाकर खड़े होना पड़ता था, जिसने अपने बुरे वक्त में एक्टरों की आवाज़ निकालकर पेन बेचे, जो सिर्फ 7th क्लास तक पढ़ाए, जिन्होंने 18 की उम्र में हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में काम किया और कंपनी के स्टाफ को मिमिक्री शो करके हंसाया करते थे। मैं बात कर रहा हूँ जॉन राव की, जिसे आज पूरी दुनिया जॉनी लीवर के नाम से जानती है। और आज की डेट में जॉनी लीवर की नेटवर्थ है $30 मिलियन। जॉनी लीवर कहते हैं कि तू बस मेहनत कर, क्योंकि जब परमेश्वर की रोशनी आती है तो हमारे अंदर एक ताकत आ जाती है। और ये तो कुछ नहीं, इसके आगे जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है उस इंसान की जो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में राज करता है। इस इंसान ने पूरी दुनिया को हंसाया, लेकिन इनका शुरुआती जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा। इनके माता पिता स्टेज शो करके पैसे कमाते थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इस लड़के के पापा इनकी फैमिली को छोड़कर चले गए। अब पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी माँ पर आ जाती है। जब ये लड़का 6 साल का था तब एक दिन उनकी माँ स्टेज शो कर रही थी और उसी वक्त उनकी आवाज़ चली गई। वहाँ पर बैठी ऑडियंस बहुत ही गुस्सा होने लगी। तभी उस 6 साल के बच्चे ने आकर अपनी माँ जैसी एक्टिंग की और उनकी आवाज़ निकालकर उस स्टेज शो को पूरा किया। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि उस स्टेज शो के बाद उनकी माँ की आवाज़ कभी वापस नहीं आई। और उससे भी बुरा तो तब हुआ जब वो 8 साल के थे, तब उनकी माँ की मेंटल हालत बिगड़ गई, जिसकी वजह से उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। लेकिन इन सबके बावजूद भी ये बंदा परिस्थितियों के आगे झुका नहीं। इन्होंने खुद के स्टेज शो करना शुरू कर दिए। और इनका टैलेंट सिर्फ स्टेज तक ही सीमित नहीं था, इनके टैलेंट को पहचानते हुए इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में शामिल किया गया। और इनकी पहली फिल्म आई मेकिंग अ लिविंग, और इस फिल्म के बाद भी उन्हें कई सारे ऑफर्स आने लगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि 1914 में इन्होंने खुद की पहली फिल्म डायरेक्ट कर दी, जिसका नाम है कोट इन द रेन। अब तो आप समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ चार्ली चैपलिन की, जो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा है। और इसी संघर्ष में कहानी एक लड़के की, जो कि बहुत हकलाता था। अगर उसे किसी को कुछ बात कहनी होती तो ठीक से कह नहीं पाता था, अपने हकलाने की आदत की वजह से। और इसी आदत की वजह से उनका कई बार मजाक भी बना। अगर उनकी जगह हम होते तो यूट्यूब पर सर्च करते कि अगर कोई मजाक बनाए तब क्या करें। लेकिन इनका पूरा फोकस अपनी कमजोरी पर ना होकर अपनी ताकत पर था। ये कॉमेडी के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, लेकिन हकलाते बहुत थे, तो इन्होंने अपनी फिजिकली हरकतों से लोगों को हंसाना शुरू कर दिया। और इनके पैशन को देखकर इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला। और 1977 में इनकी पहली फिल्म आई, जिसका नाम था बीन। और इसके बाद लोग इन्हें जानते हैं मिस्टर बीन के नाम से, यानी कि जो बंदा ठीक से बोल नहीं सकता था उसने कॉमेडी की दुनिया पर राज किया। और मिस्टर बीन ने सिर्फ 14 एपिसोड और 2 मूवीज किए, और ये एपिसोड और मूवी दुनिया के 200 से भी ज्यादा देशों में खूब पसंद की जाती है। और आज की डेट में मिस्टर बीन की नेटवर्थ है $150 मिलियन। राजपाल यादव की हाइट बहुत कम है, लेकिन उन्होंने अपनी इस कमजोरी को कभी भी अपनी कामयाबी के बीच में नहीं आने दिया। हाइट में भले ही वो छोटे हैं, लेकिन एक्टिंग और कॉमेडी के मामले में वो लंबे लंबे एक्टरों से कई गुना अच्छे हैं। कादर खान जब स्कूल में थे तो उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया था। कपिल शर्मा के पिताजी भी उन्हें बचपन में छोड़कर चले गए थे। लेकिन इन सबके बावजूद भी इनमें से एक भी रुका नहीं, क्योंकि सिर्फ छोटे पंछी ही बारिश के आने पर छुप जाते हैं। बाश तो तूफानों को चीर कर आसमान की ऊंचाइयों पर उठता है। गुलाब के पौधे में पहले कांटे आते हैं, उसके बाद फूल आते हैं। जिंदगी में भी पहले कांटे आते हैं, उसके बाद फूल आते हैं। और जो कांटे आते हैं वो बहुत चुभते हैं। अरे लोहे की तब तक वैल्यू नहीं बढ़ती जब तक कि वो तपता नहीं, तो तुम्हारी कैसे बढ़ सकती है? तुम्हारी वैल्यू भी उस लोहे की तरह तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक कि तुम तपोगे नहीं। तो जब भी तुम अपने हालातों को दोष देने लगो और ऐसा लगे कि जिंदगी बहुत ही टफ है, तब जॉनी लीवर, चार्ली चैपलिन, मिस्टर बीन, कादर खान, राजपाल यादव, कपिल शर्मा, इनकी स्टोरी को याद कर लेना। जब लगे कि मेरी हाइट कम है तो राजपाल यादव का चेहरा आपके सामने आना चाहिए। जब लगे कि मेरा रंग सांवला है तो जॉनी लीवर का चेहरा आपके सामने आना चाहिए। जब लगे कि मैं हकलाता हूँ, मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, तब मिस्टर बीन का चेहरा आपके सामने आना चाहिए। अरे तुम क्या अपने हालातों को दोष देते हो? इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हुए जो कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उनकी लाइफ की सिचुएशन इतनी खराब थी, उसके बावजूद भी वो उस लेवल पर पहुंचे जिसकी दुनिया सोच नहीं सकती। और लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोते रहते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोना बंद करो और कुछ ऐसा करो कि तुम दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन जाओ।